नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडस में। दोस्तों, टारसन्स प्रोडक्ट्स ने अपने Q1 के नतीजे डिक्लेयर कर दिए, तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर तो आपको क्या होल्ड करना चाहिए, फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। तो कंपनी का अगर टोटल इनकम की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल इनकम में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का टोटल इनकम सेम है जो कि 71 करोड़ है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें इसमें 19% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% का डिक्लाइन है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 31% का डिक्लाइन है। तो ये 25 करोड़ से डिक्रीज होकर 20 करोड़ हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और वहीं अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखूँ तो ये 29 करोड़ से डिक्लाइन होकर 20 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे कि कंपनी का टोटल इनकम जो है ईयर ऑन ईयर सेम है, लेकिन इनके खर्चे बढ़ना जाने की वजह से, जैसे कि लास्ट ईयर 38 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस थे, अभी इस बार इनके जो टोटल खर्चे है वो 44 करोड़ के हो गए, इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 25 करोड़ से डिक्रीज होकर 20 करोड़ हो गए। और वहीं जो इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनके जो खर्चे हैं वो काफी बढ़ गए हैं। और ईपीएस की बात करें दोस्तों, लास्ट ईयर ये 4.8 था, अभी ये 3.82 हो गया। तो ओवरऑल इस बार जो कंपनी के नतीजे हैं वो कंपनी के फेवर में हमें नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ गए हैं। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी का टोटल इनकम भी है वो भी हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर्स से अपनी जो होल्डिंग है वो मेंटेन रखी है, जो कि 47.3% की है। FIIs के पास एक अच्छा खासा होल्डिंग है 9%, वहीं DIIs के पास भी एक अच्छी खासी होल्डिंग है 8% की। तो DIIs अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो 6.33% से अभी इंक्रीज करके 8.06% की होल्डिंग जो है हो गई है। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि FIIs और DIIs के पास एक अच्छा खासा होल्डिंग है। वहीं इनका जो कोई भी अगर शेयर गिरवी है या नहीं, तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, काफी अगेन पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए। और दोस्तों यहाँ पे ROCE ROE काफी अच्छा खासा है, 35% का ROCE है, ROE भी 27% का है। इवन अगर इनके कर्जे की बात करें तो इनका कर्जा ना के बराबर है, सिर्फ 22 करोड़ का कर्जा है, और उसके सामने इनके जो शेयर कैपिटल रिजर्व है अराउंड 500 करोड़ के आसपास के। तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बैलेंस शीट दिख रही है, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है ओवरऑल हमें जो लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे तो रिजल्ट यहाँ पे लगातार कंपनी इंक्रीज कर रही है। मार्च 2019 में इनका 39 करोड़ था, अभी मार्च 2022 में ये इंक्रीज होकर 101 करोड़ हो गया। हालांकि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है कंपनी के फेवर में हमें नहीं दिख रहे, एक आध दो क्वार्टर में हमेशा रहता है कि कंपनी के खर्चे बढ़ जाने की वजह से उनके नेट प्रॉफिट पे इम्पेक्ट आता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो है कंपनी की बैलेंस शीट हमें स्ट्रांग देखने को मिल रही है। दोस्तों अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 855 रुपीज का चल रहा है, और इसका जो हाई था वो अराउंड 910 रुपए के आसपास का था। अभी वहां से ये काफी डिक्लाइन हो गया था, लेकिन अगेन उसने जो है एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन हालांकि जो है कंपनी के रिजल्ट जो है कंपनी के फेवर में नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से जो है शेयर प्राइस डिक्लाइन हो सकता है। और इसका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है वो 762 रुपीज का निकल के आ रहा है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी जो होल्डिंग है, अगर आपके पास ऑलरेडी आप इसके शेयर होल्डर हो कंपनी के, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप अपनी होल्डिंग जो है मेंटेन कर सकते हैं। एक आध क्वार्टर में जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट जो है कंपनी के खराब हो सकते हैं, लेकिन इसमें ओवरऑल हमें जो है कंपनी का ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो है पिक्चर देखना चाहिए कि ओवरऑल जो कंपनी का प्रोस्पेक्ट है वो कैसे। तो प्रोस्पेक्ट यहाँ पे काफी ब्राइट नजर आ रहे हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप इसमें जो है अपनी पोजिशन होल्ड की बनाए रख सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है और आपको प्रॉफिट दिख रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप जो सो वो प्रॉफिट आप अपना जो है बुक कर सकते हैं। और न्यू पोजीशन दोस्तों, एक बार यहाँ पे मंडे को क्लैरिटी आ जाए कि मंडे को यहाँ से शेयर प्राइस का कैसा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो न्यू पोजीशन अगर ये अपने जो 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास अगर आपको आते हुए मिल रहा है, आपको उस लेवल के आसपास मिल रहा है, तो आप न्यू पोजीशन जो है इस शेयर के अंदर ले सकते हो। बाकी ज्यादा क्लैरिटी दोस्तों मंडे को एक बार पता चल जाएगा कि यहाँ से अगर डिक्लाइन होगा तो मुझे लग रहा है कि फिर ये थोड़े दिनों के लिए और इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और आपके कोई भी सजेशन से वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।